सैलेड डेकोरेशन करने का तरीका आप लोगों से शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने हाथ से छिले लिए ना, इसको आप ऐसे छिलके हटा रहे हैं, छिले से मैंने दो ऑनियन लिया ना, इसको मैंने छिल लिया है। इसको मैं फ्लावर के रूप में कटिंग करूँगी, जो आप लोगों को दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी हल्का हल्का मैंने ग्रीन छिलका इसके रहने दिया है, क्योंकि मुझे इसी तरह से डेकोरेट करना है। इस तरह से आप भी ऐसे इस तरह से करते जाए, पूरा नीचे से तक ना कट करें, नहीं तो डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे निकालते जाऊँगी, दिखाऊँ कितनी अच्छी है फ्लावर बन जाएगी। देखिए इस तरह से थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है, देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करते जाए। देखिए इस तरह, ये देखिए मैंने इसे कट कर लिए थे, जो प्रोसेस आप लोगों को मैंने बताए थे। अब आप इस तरह से इसे हल्का हल्का, क्योंकि मुझे ग्रीन भी दिखाना है, इसमें ग्रीन रहेगा। छिलका भी ऐसे भी आप लोग जानते हैं, खीरा का कुकुम्बर का आप छिलका भी खा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप भी इसे ऐसे करते जाए। देखिए फ्लावर की तरह से कट चुके हैं पूरे से, आप चाहें तो इसे ग्रीन ग्रीन इस तरह के छिलके के यूज किए हैं, क्योंकि सैलेड का डेकोरेशन करना है, तो उसके लिए आप इसे पतला पतला काट लें। इस तरह से ऐसे करके हम इसे अच्छे से इसके ऊपर रख के आप सजा भी सकते हैं इस तरह से। देखिए अब मैं प्याज को कट करते हुए आप लोग को दिखाऊँगी, इसके लिए फ्लावर बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। अब मैं देखिए मैं अब ऑनियन को कट करते हुए आप लोग को दिखा रही हूँ, आप भी इसी तरह से इसे कट करते जाए नीचे से। इस तरह से आप भी कट करें, तिरछा तिरछा पूरा देखिएगा कितना अच्छा गुलाब का फूल बन जाएगा। फिर आप इधर से भी इसे कैसे कट करें, ज़्यादा नीचे तक नीचे का पूरा पोर्शन रहना चाहिए, देख सकते हैं। इस तरह से आप भी ध्यान रखें, हाथों का रखते हुए ही काम करें। आप देखिए किस तरह से इसकी एक एक पंखुड़ियाँ निकालते जाए, पूरी गुलाब की तरह आपको लोटस की तरह दिखाई देगा। इस तरह से इसके बीचों बीचों में आप पतली पतली स्लाइस लगाते रहें, खीरे की आप चाहें तो खीरे की लगा लें, या ऑनियन का भी यूज कर सकते हैं। इसे मैंने खीरे का पतला पतला करके इसके नीचे ऐसे डालते हैं, इसे डेकोरेट कर लें। देख सकते हैं कितनी सुंदर ये लग रही है, इस तरह से आप भी लगा लें। और मैं सैलेड का डेकोरेशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस तरह से आप किसी मेहमान को सर्व करेंगे वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और पूछेंगे कहाँ से आपने इस तरह का डेकोरेशन सीखा, आप लोग भी बनाएं। ये देखिए मैंने इस पर भी प्याज से डेकोरेट कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से डेकोरेट करके कोई भी सैलेड आप सर्व करें, तो देखिए इस तरह से आप स्लाइस के रूप में इसे कट करके भी खीरे को डाल सकते हैं। ठीक है, मैं तीसरा स्टेप भी आप लोग को बता रही हूँ, देख सकते हैं इस तरह से इसको आप छोटा सा इस तरह से स्लाइस को कट करें। इस तरह से मैं इसके ऊपर नीचे डाल करके आप ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है डेकोरेट। खीरा और ओनियन से मैंने कितने अच्छे से इसे डेकोरेट किया है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, और कैसा लगा तो मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।